हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाहिद असद और आज मैं लाई हूँ शीर की सेवइयों की रेसिपी। इसे ईद पे बनाते हैं, मेहमान कोई आ जाए जब बनाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं बताऊँगी कैसे बनती हैं सेवइयाँ। ये एक प्लेट मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ ली हैं, ये 250 ग्राम मैंने चीनी ली है, 1 किलो दूध में ऐड करूँगी। ये मैंने एक प्याली मखाने लिए हैं, एक प्याली मैंने किशमिश ली है, एक प्याली मैंने गोला काट के रख लिया है, ये 10-12 मैंने बादाम लंबे लंबे काट के रख लिए हैं, ये थोड़ा सा गोला मैंने कद्दूकस करके रख लिया है, ये थोड़ी सी मैंने चिरौंजी ली है, ये मैंने सफ़ेद इलायची ली है 5, इसके मैं दाने निकाल लूँगी। ये मैंने आधी प्याली देसी घी लिया है, ये मैंने केवड़ा लिया है, इसकी 2-3 बूंदे मैं शीर की सेवइयों में ऐड करूँगी। ऐड कर देंगे देसी घी, ऐड कर देंगे सफ़ेद इलायची, मखाने, चिरौंजी, गोला, बादाम, किशमिश, ऐसे अच्छे से हल्का हल्का ब्राउन कर लें सब मेवा को। तो देखिए ये हमारी ब्राउन हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम दूध। दूध हमने खोला लिया था पहले से, अब इसमें ऐड कर देंगे सेवइयाँ और इसे अच्छे से खौला लेंगे और ऐड कर देंगे चीनी। और इसे अच्छे से धीमी आंच पे पकने देंगे। पाँच मिनट तक इसे पकाना है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम केवड़ा। ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर, थोड़ा सा ही डालेंगे। तो देखिए ये हमारी शीर अच्छे से बन गई है, इसमें खोल आ गई है। अब गैस आप ऑफ कर दें और इसे चम्मच चला के बंद कर दें। गैस को बंद कर देंगे और देखिए कितनी अच्छी हमारी शीर बन के तैयार हुई है। तो देखिए गाइस, ये शीर की सेवइयाँ बनके तैयार हो गई हैं और देखिए कितनी अच्छी बनी है पक्के। तो आप मेरी रेसिपी से बनाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए और मुझे और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।